बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चाह रहा था कि आप सब दोस्तों को बता दूं कि कल के खान साहब का एक इंटरव्यू मैंने देखा और मैं चाहता था कि उस पर जो हकायक हैं वो सारे लोगों के सामने आ जाएं। खान साहब ने उसमें ज़िक्र किया कुछ मेरी ज़मीन का कि वो ज़मीन जो है वो मैं उनसे कोई लीगलाइज़ कराना चाहता था, जिसकी वजह से उनके मेरे साथ इख्तलाफ़ हो गए या मेरे उनके साथ इख्तलाफ़ हो गए। तो पहली बात तो मैं कैटेगोरिकली बताना चाहता हूँ कि 2010 से 2018 तक मैं इमरान ख़ान के साथ था, और जब मैं 2010 में इमरान ख़ान साहब के साथ हुआ था, ये सोसाइटी मेरे पास उस वक्त भी मौजूद थी और ये सोसाइटी मैंने ख़रीदी थी, क्योंकि 2010 में भी मैं अपोजिशन में था और उस वक्त भी मुझे कोई NOC नहीं देता था, कोई अप्रूवल नहीं देता था। तो मैंने एक अप्रूवल के साथ एक सोसाइटी ख़रीदी थी जिसकी अप्रूवल मेरे से जो पहले मालिकान हैं उन्होंने हासिल किए हुए थे। और 2010 से लेके आज तक 2022 तक वो सोसाइटी मेरे पास मौजूद है और उसी में उसकी एक्सटेंशन हुई है। खान साहब वहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे वालिद साहब की जब वफ़ात हुई तो उसकी तदफीन पे खान साहब वहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, इसलिए उन्होंने वो सोसाइटी उस वक्त भी और उसके अलावा बाद में भी कई दफ़ा देखी है। और अगर मुझे ये पता होता कि 2010 में मैंने इमरान खान का साथ इसलिए देना है क्योंकि 2018 में इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म बनना है और उसके बाद मैंने वहाँ पे 300 एकड़ ज़मीन ख़रीदनी है और उसको बाद में लीगलाइज़ इनके लिए कराना है, तो बहुत ही मेरा इसका मतलब है मेरा विज़न को बहुत ही दूर का है कि मैं 8 साल 10 साल पहले ही मुझे पता लग गया था कि यहाँ पर 300 एकड़ ज़मीन ख़रीदूँगा और उस दिन इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे जिनसे मैं ये जाकर लीगलाइज़ करवाऊँगा। हकायक ये हैं कि ये ज़मीन जो है ये 300 एकड़ नहीं है, मेरे पास सोसाइटी में 3000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मौजूद है। और ख़ान साहब जिस 300 एकड़ की बात कर रहे हैं कि उसका शायद वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो ज़मीन जो है वो उसका स्टेटस तब्दील हो रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे ज़मीन कोई जो है वो एक्वायर नहीं कराई, मैंने वहाँ के लोकल ज़मींदारों से ज़मीनें ख़रीदी हैं। और वो 3000 एकड़ हो या 10000 एकड़ हो, उसमें से एक इंच ज़मीन भी जो है वो सरकारी नहीं है, वहाँ ना ही कोई शामिलात है और ना ही वहाँ पर कोई सरकारी एक कनाल भी मौजूद है। तो इसलिए वहाँ पे सारी ज़मीन जो है वो लोकल ज़मींदारों से ख़रीद की गई है और मार्केट रेट पे ख़रीदी गई है और उनकी मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक ख़रीदी गई है। दूसरी बात ये कि ये जो ज़मीन जिसकी वो बात कर रहे हैं, ये ज़मीन अब रूडा के अंडर आ गई है, जो कि इमरान ख़ान साहब ने बनवाई है रूडा। और ये रूडा वो है जिसने लोगों से ज़मीन एक्वायर की है सरकारी रेट पे, जो कि चंद लाख रुपए के अगेंस्ट ख़रीदी गई हैं और बाद में अपने मनपसंद जो डेवलपर्स हैं उनको ये बांटी गई है। वो जो मनपसंद डेवलपर्स हैं उनमें कौन कौन शामिल हैं, उनमें किन किन लोगों ने मुफाद लिया है और उनका इमरान खान साहब के साथ क्या ताल्लुक है, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। क्या उसमें वो डेवलपर भी शामिल हैं जिनके पास मैडम फरा जो हैं वो दुबई में जाके मुकीम थी, जिनके जहाज़ के ऊपर वो फिरती रही हैं और जिसके करीबी रवाबत की वजह से इमरान खान साहब के साथ भी उनका ताल्लुक बना। मेरे ख़्याल में सारी चीज़ें अब लोगों के तक पहुंचनी चाहिए। ये 300 एकड़ अराजी के बाद अब ये भी खान साहब को बताना पड़ेगा कि वो जो अराजी रूडा में दी गई, जो कि लोगों से सरकारी ज़मीन सरकारी रेट पे ख़रीदी गई प्राइवेट ज़मीन, और उसके बाद उसको प्राइवेट डेवलपर्स को दे दी गई, वो प्राइवेट डेवलपर्स में कौन कौन शामिल हैं, क्या जो आपने LDA का वाइस चेयरमैन लगाया था उसके रिश्तेदारों को जो कि एक अलग से हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं, क्या उनको भी उनमें 10 में शामिल किया गया है, और अगर किया गया है तो क्यों किया गया है, और आपने किन किन लोगों को उसके अंदर मफाद दिया है, उसके अंदर क्या अलीम खान भी शामिल है, और अगर अलीम खान शामिल है तो आप बताएं, और अगर इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट जिसमें आपका एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी है, क्या उसकी खरीदो फरोख्त में भी अलीम खान शामिल है, तो उसका नाम भी बताया जाए, और अगर अलीम खान शामिल नहीं है तो कौन कौन शामिल है। आपने जो प्रोजेक्ट बनाए जो बड़े आवाम की फलाह के लिए थे, जिसमें से सरकारी रेट पर औने पौने लोगों से ज़मीन एक्वायर की गई, वो ज़मीन क्यों एक्वायर की गई, उन लोगों से मार्केट रेट पर क्यों नहीं ख़रीदी गई, और वो मार्केट रेट पे ख़रीद के आपने उसके ऊपर शॉपिंग मॉल्स बनाए, आपने उसके ऊपर प्लाजे बनाए, आपने उसके ऊपर
गोल्फ कोर्सेज बनाए। अगर खान साहब आप वो ज़मीन के ऊपर प्लाजा बना सकते हैं तो वो उसकी ज़मीन का स्टेटस ग्रीन है, लेकिन आपका प्लाजा बन सकता है अंडर रूडा, आपका शॉपिंग मॉल बन सकता है, आपके गोल्फ कोर्सेज बन सकते हैं, आपके घर बन सकते हैं, अलीम खान की सोसाइटी नहीं बन सकती। क्यों? ज़रा जवाब देना पसंद करेंगे? अगर उसका स्टेटस ग्रीन है तो सिर्फ अलीम खान के लिए ग्रीन है। रूडा जब उसके ऊपर डेवलपमेंट कर रही है, रूडा जब उसके लिए ऊपर प्रोजेक्ट बना रही है, तो उसका स्टेटस जो है वो ब्राउन कैसे हो जाता है और अलीम खान के लिए ग्रीन क्यों हो जाता है? खान साहब, जिस दिन आप मेरे पास आए थे अपने जलसे के लिए पैसे मांगने, मैं आपके घर नहीं गया था, आप मेरे घर आए थे मियां महमूद रशीद और फरीदुद्दीन साहब को साथ लेके, ठीक है। और मैं जिस दिन 2002 में हलफ लेने गया था, जब मैं पहली दफ़ा MPA बना था, तो खान साहब मैं जिस गाड़ी पे गया था आज भी उसका बेहतरीन मॉडल मेरे पास मौजूद है। मैं जिस घर में रहता था आज भी उसी घर में रहता हूँ। मैंने अपनी सियासत में से लगाया ही है, कमाया कुछ नहीं है। और अगर आपसे ज़्यादा इसको कौन जानता होगा कि जिस दिन PTI पे बुरा वक्त आया, जिस दिन कोई मुश्किल दिन आया, उस दिन सबसे पहले कौन आपके पास आया? और PTI के एक एक जलसे से लेके, एक एक धरने से लेके, हर मुश्किल वक्त में आपके लिए क्या मैं इसलिए खड़ा था क्योंकि 2018 के बाद आपने एक दिन वज़ीर आज़म बनना था और मैंने उसमें से 300 एकड़ कराल ज़मीन जो है, 300 एकड़ अराजी जो है, वो आपसे मैंने उसका स्टेटस तब्दील कराना था। बस आपको यही इल्ज़ाम मिला अलीम खान पर लगाने के लिए। तो खान साहब, मेरे ख्याल में हम सब की इज़्ज़त इसी में है कि आप भी इज़्ज़त और एहतराम से मेरा नाम लें, ताकि मैं भी उसी तरह आपका नाम जो है वो इज़्ज़त और एहतराम से लेता रहूं। अगर आप मेरे बारे में बोलना शुरू करेंगे और मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे तो चुप मैं भी नहीं रहने वाला। और फिर जब हमने एक दूसरे को बारे में बोलना शुरू किया तो मेरे ख्याल में इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका शायद नुकसान ही हो जाए। तो बेहतर यही है कि मैंने भी इतने दिन से अपना मुंह बंद रखा हुआ था, मैं भी चाह रहा था कि कोई बातें जो हैं वो दिल की दिल में ही रह जाएं, लेकिन अगर आप खुलवाना चाहते हैं तो फिर सारी खुलनी चाहिए। और फिर मैं आपसे चाहता हूं कि आप आएं किसी चैनल पे बैठें, साथ मुझे भी बिठाएं, साथ जंगीर तरीन को भी बिठाएं, और फिर लोगों के सामने सच बोलते हैं हम तीनों, फिर पता लगे आपका कि आप क्या कह रहे थे और हम क्या कह रहे थे, आपका क्या मौक़िफ़ था, हमारा क्या मौक़िफ़ था। जिस दिन चाहें, जिस जगह चाहें, जिस चैनल पे चाहें, जितने घंटों के लिए चाहें, आए प्रोग्राम करते हैं। ज़रा आवाम को पता तो लगे कि असल चेहरा क्या है, अलीम खान का चेहरा क्या है, इमरान खान का चेहरा क्या है और जंगीर तरीन का चेहरा क्या है। कितने को मफाद लिए हैं मैंने आपसे, आपको ये बताना पड़ेगा लोगों को कि मैंने कितने मफाद लिए थे आपके, जो मैं आपके साथ 10 साल लगा रहा, आपने मुझे आखिर में सिर्फ मेरा जो मोल है वो ये लगाया कि मैंने 300 एकड़ ज़मीन जो है वो आपसे उसका ज़मीन का स्टेटस तब्दील कराना था, जबकि मेरे पास खान साहब इस वक्त सारी ज़मीनों शायद 10,000 एकड़ से भी ज़्यादा है। तो मुझे आपकी 300 एकड़ ज़मीन के लिए आपके साथ मैंने 10 साल लगाए, दिन रात मेहनत की, कोशिश की, मेहनत की, और आपने आखिर में मुझे 300 एकड़ के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया। मुझे तो बहुत शर्म आई कि मेरी सारी जितनी मेहनत थी और जितनी सारी कोशिश थी उसका आपने ये मोल लगाया। मैं आज भी कहता हूँ कि आज भी आप लोगों को असल चेहरे दिखाएं, असल बात बताएं। आपने लोगों पे पहले कहा कि साजिश हुई थी, अमेरिका ने साजिश की थी और उसमें ये लोग जो हैं ये अमेरिकन लोगों को मिलते रहे हैं। और मैंने पिछली दफ़ा भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि मैं आपके घर में मिला था अमेरिकन एम्बेसडर को, मैं EU के एम्बेसडर को आपके घर पे मिला था, मैं खान साहब इंग्लैंड के एम्बेसडर को आपके घर पे मिला था। जब आपके घर पे, जिस वक्त आप प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, इन सारे एम्बेसडर्स को मिला जा सकता है तो उसके बाद क्यों नहीं मिला जा सकता? खान साहब हुकूमत में आने के बाद तो ये एम्बेसडर्स मुझसे ज़्यादा ऑफिशियली भी मिल सकते थे और आपने मेरे नाम के ऊपर गद्दार लिखवा दिया, जबकि मिलते तो मैं आपके साथ रहा था। जब आप मिला करते थे इन एम्बेसडर्स को, जब आप अपोजिशन में थे, तो क्या आप मुहिब्बे वतन थे? और आज जो मिल रहा है आपके दौर में वो गद्दार है? ये कौन सा स्टैंडर्ड है? आप एक स्टैंडर्ड क्यों नहीं रखते? आप बताएं कि हाँ उस दिन मैं भी गद्दार था, आज ये भी गद्दार हैं, तो हम भी सारे मान लें कि ताकि जो जो मिल रहा है जिस जिस भी एम्बेसडर को, खा वो EU का एम्बेसडर है, खा वो ब्रिटेन का एम्बेसडर है, खा वो अमेरिका का एम्बेसडर है, खा वो जापान का एम्बेसडर है, खा वो रशिया का एम्बेसडर है, वो सब गद्दार हैं। तो
आप अपने लोगों को देखें, आप अपने वज़रा को देखें कि उनमें से कौन कौन मिले हैं इन सारों को, और अपने दौर में भी मिले हैं और उससे पहले भी मिले हैं। ये क्या स्टैंडर्ड है कि जो भी किसी एम्बेसडर को मिला है, जो भी किसी हाई कमिश्नर को मिला है, क्या वो सब गद्दार है? आपसे हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि कौन गद्दार है कौन नहीं गद्दार है। मैंने आपको पिछली दफ़ा भी कहा था, हम सबको पता है हमारे अंदर क्या है इस मुल्क के लिए। अगर इस मुल्क के लिए मेरे अंदर जज्बा ना होता तो मैं कभी 10 साल अपोजिशन में आपके साथ ना खड़ा होता, मैं हुकूमत के साथ होता उस दिन और अपना फ़ायदा ले रहा होता। आपके वो तमाम जो आपके क्लोज तरीन डेवलपर्स थे वो हमेशा हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। खान साहब, ये वही लोग हैं जो आपके जलसे में, जब हमने आपके जलसे के लिए 2 मिनट के लिए मांगी थी जगह कि हमें सिर्फ आपका हेलीकॉप्टर उतारने दें, तो आगे से उसी डेवलपर ने, जिसको आपने बाद में बहुत नवाजा, मुझे जवाब दिया था कि अलीम खान, मैं कारोबारी आदमी हूँ, मैं अलीम खान नहीं हूँ। और आपको पता है कि वो किसने जवाब दिया था? खान साहब, आपको सब पता है, सबकी हकीकतें पता हैं, और जो 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 करता रहा है आपको सब पता है। लेकिन यह है कि आज मसलियत के तहत हम भी चुप हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इज्जत बनी रहे, भरम बना रहे, आपका भी बना रहे। आप सियासत करें, लोगों को वर्गलाएं, लोगों को झूठ दिखाएं, वो दिखाएं जो आप असल में नहीं हैं। लेकिन मैं जिस दिन बोलूँगा, मैं तो वही बोलूँगा जो असल है।